have here. So they just the horse. Four horses are there. Four horses. Very passionate. So four members is ready to horse. Re Babu, funny. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनैतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग, आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना, 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में, आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए, ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा, बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं, कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए, ये क्या हो रहा है, आप खुद कदम उठाइए, इस कांड में जो भी जिम्मेदार है सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जान पड़ताल करवाइए, मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में डर में रखते हुए, क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप, क्या पाना चाह रहे हैं? भगवान ने आपके किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको, आप 2-2 बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात, कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता, हम कितने भी शक्तिमान हो 100 साल के आगे नहीं जी सकते, क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए, क्या कारण है, इस पे एकदम रोक लगना चाहिए, दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृहमंत्री का नाम लेके, कहां तक ये सही हो सकता है, इसको लगाम लगाइए, रोकिए इसको। I humbly pray the judicial system of India to kindly protect democracy in the country. Please, for God's sake, the democracy is gone, everything is gone. People will lose confidence. Our nation will be lost. Henceforth, it becomes the duty. I don't say that, but it becomes the prime duty of every Democrat, every democratic thinker. And I expect Honorable Supreme Court CJ Garu and also Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable CJs of all high courts to discuss and take all required steps, whatever they are, in accordance with the law. Please punish the culprit, whosoever it is. This kind of open purchasing of MLAs, dethroning governments, they openly say in this video, we have already dethroned 8 governments. And how we conducted the operations? Now we are in the process of dethroning 4 governments.
that is Telangana, Delhi, Andhra and Rajasthan. They said the number of MLAs managed also. Which state, how many MLAs are managed? Our people are already operating, they are there. They say everything so shamelessly. So this is not an easy task. So this needs to be looked into with great concern.